हमारी चैनल ज्ञान विशेष को सब्सक्राइब करो और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हाजिर हूं फिर एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। दोस्तों, आज हम जामुन से होने वाले फायदे के बारे में बात करेंगे। जामुन का फल ऐसा फल है जो बच्चे, बड़े और बूढ़े बड़े प्रेम से खाते हैं और ये बहुत स्वादिष्ट भी होता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि जामुन खाना कितना फ़ायदेमंद होता है? ये सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये रामबाण औषधि है डायबिटीज़ को कंट्रोल करने की। सिर्फ जामुन ही नहीं, लेकिन जामुन की गुठली भी एक औषधि के रूप में काम करती है। दोस्तों, जामुन से निर्मित कई प्रकार की औषधियाँ बनाई जाती है। जामुन का सिरका भी आपको आयुर्वेदिक स्टोर पर आसानी से मिल जाता है। जामुन थोड़ी देर से पचता है, लेकिन ये पेट साफ कर देता है, इसलिए पाइल्स और बवासीर में इसका उपयोग बहुत किया जाता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि जामुन डायबिटीज़ में किस प्रकार से काम करता है। जामुन का फल फाइबर से भरपूर होता है। इसमें पाए जाने वाले तत्व ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। इसमें कई प्रकार के पोषक तत्व और खनिज पाए जाते हैं। जामुन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और कैल्शियम तथा आयरन, विटामिन और भरपूर मात्रा में फाइबर होता है। ये तत्व डायबिटीज़ को तो कंट्रोल में करते ही है, साथ में ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित करता है। दोस्तों, जामुन की गुठली में जम्बोलिन नाम का एक तत्व पाया जाता है जो शरीर में पहुंचकर भोजन के साथ ग्रहण किए गए स्टार्च को शुगर में नहीं बदलने देता। इस कारण से ब्लड में शुगर सामान्य से अधिक नहीं हो पाता। दोस्तों, जामुन की गुठली के चूर्ण को 2-2 ग्राम की मात्रा में दिन में 2 बार पानी के साथ सेवन करें। कुछ दिन लगातार सेवन करने से ब्लड में शुगर सामान्य स्तर पर रहता है। दोस्तों, एक बात का अवश्य ख्याल रखें, जामुन में खट्टा रस पाया जाता है और ये थोड़ा कसेला भी होता है, इस कारण इसे दूध के साथ सेवन न करें। दोस्तों, जामुन का पूरा वृक्ष औषधीय गुणों से भरपूर होता है। इसके पत्ते, जड़, तना और छाल ये सब बहुत ही फायदेमंद होता है। दोस्तों, जामुन की छाल को पानी में उबालकर जब आधा शेष रहे तब पीने से स्त्रियों में होने वाला श्वेत प्रदर यानी सफ़ेद पानी की समस्या से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, जामुन यकृत के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। रोजाना सुबह उठकर जामुन के 10 ग्राम रस में सेंधा नमक मिलाकर पीते रहने से बढ़ा हुआ यकृत ठीक हो जाता है। दोस्तों, जामुन के पत्तों को पानी में घोंटकर इसका कुल्ला करने से गर्मी के कारण मुंह में होने वाले छाले मिट जाते हैं। दोस्तों, पथरी को गलाने में जामुन का कोई जवाब नहीं। अगर किसी को पथरी की समस्या है, पथरी से पीड़ित है, तो जामुन इनके लिए बहुत ही लाभकारी और चमत्कारिक जड़ी बूटी है। वैसे तो रोज खाली पेट पके हुए जामुन को खाने से पथरी कुछ दिनों में गलकर निकल जाती है। इसके अलावा जामुन के फलों का ताजा रस 10 मिली की मात्रा में ले और 250 मिलीग्राम सेंधा नमक मिलाए और इसे दिन में 2-3 बार कुछ दिनों तक लगातार सेवन करें। इस प्रयोग को करने से दोस्तों आप देखेंगे कि पथरी के टुकड़े टुकड़े होकर पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाते हैं। इससे किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता। इसका एक और प्रयोग है, जामुन के 10-15 ग्राम कोमल कोमल पत्तों को पीसकर इसका कल्क बना ले। इसमें 2-3 नग काली मिर्च का चूर्ण भी मिलाए। अब इस मिश्रण को सुबह शाम कुछ दिनों तक लगातार सेवन करें। इससे पथरी के टुकड़े टुकड़े होकर पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाते हैं। पथरी गलाने का ये एक उत्तम प्रयोग है। दोस्तों, रोजाना 100 ग्राम की मात्रा में जामुन का सेवन करने से पेट साफ हो जाता है और बवासीर में अधिक फायदा मिलता है। तो दोस्तों, ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक नई जानकारी के साथ।